रियो ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन पर आप अपने विचार बताएं भाभी जी। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? क्या विचार बताऊं? क्या प्रदर्शन है, क्या जीत है, क्या हार है, क्या भारत में खेल है? पहले इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए, फिर ये सोचिए कि खेलों में भारत के खिलाड़ी आगे क्यों नहीं आ पाते हैं। जरा विचार कीजिए कि किस आधार पर भारत के खिलाड़ी आगे आए। पहले तो बहुत अखंड बखंड जैसे विचारों को लेकर के, आई के विचारों को लेकर के ये सोचें कि खेल की जरूरत क्या है और खिलाड़ी की जरूरत क्या है। खेल की जरूरत है कि खिलाड़ी को जब ढूंढें तो उस खिलाड़ी के माता पिता के मन में ये विश्वास हो कि मेरा बच्चा देश का नाम रोशन करेगा, तो ढूंढने का मतलब है। वही नहीं ढूंढता, वो इसलिए नहीं ढूंढता कि भारत में किसी भी शासन ने, आजाद भारत के किसी भी शासन ने ये नहीं सोचा कि हम हिंदुस्तान में खिलाड़ियों का भी एक संग्रह बनाएं। संग्रह इसलिए कि संग्रह में चीज इकट्ठी की जाती है और जीवन पर्यंत तक, उस वस्तु के जीवन पर्यंत तक, उस चीज के जीवन पर्यंत तक उसको सहेज करके रखा जाता है, उसको आदर्श रखा जाता है। क्या भारत में खिलाड़ियों के साथ यह व्यवहार है या किसी का कोई सोच है? छोटी सी बात है अगर हम सोचें कि खिलाड़ी का जीवन कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है। खिलाड़ी का जीवन 7वीं 8वीं कक्षा में जब वो पढ़ रहा होता है या 4वीं 5वीं कक्षा के उम्र में जब वो पहुंचा होता है, तब जो उसकी शक्ति है, तब जो उसका शरीर है, तब जो उसकी आशा है, उसमें खेल नहीं पिरोया जाता। बहुत छोटे से मैं कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ी का जीवन 6-7 उम्र में ही शुरू हो जाता है और उसका जीवन, अगर वो अपने आप को अच्छा खिलाड़ी, बहादुर खिलाड़ी, जीतने वाला खिलाड़ी बनाना चाहता है तो उसको इतना समय अपने जीवन का उसमें देना पड़ता है कि जो उसका जीवन है वो 25 वर्ष की उम्र तक समाप्त हो जाता है और वहां से उसका दूसरा जीवन शुरू होता है। हम दूसरे देशों की बात करते हैं, दूसरे देशों में खिलाड़ियों को इन उम्र के साथ देखा जाता है और उसके बाद उनकी शेष उम्र वो अच्छी तरह से बिता सकें, इसकी कोशिश राष्ट्रीय तौर पर की जाती है। हमारे यहाँ कौन करता है? माता पिता जब अपने यहाँ बच्चों को बड़ा करते हैं तब उनको ये चिंता होती है कि अपना जीवन अच्छा कैसे बनाएगा, जीवन मजबूत कैसे बनाएगा, जीवन उपयोग लायक कैसे बनाएगा। और तब उनको लगता है कि अगर मैंने इसको खिलाड़ी बना दिया तो 25 साल की उम्र के बाद वो क्या करेगा। अगर हम अपने देश में खिलाड़ियों की तैयारी करना चाहते हैं तो हमको खेल को देश की शान और देश की शक्ति बनाना पड़ेगा। अगर हम लोगों के मन में, परिवारों के मन में सरकार अपनी नीति को इस तरह से पिरोने की कोशिश करे कि लोग अपने यहाँ के बच्चों को, अपने यहाँ के बच्चियों को, अपने परिवार के बच्चों को, बच्चियों को ये आश्वासन दिला सकें कि तुम देश के लिए खेलो, देश का नाम ऊंचा करो, देश को नक्शे पर लाओ, खेल के नक्शे पर लाओ, तो खिलाड़ी बन सकता है। क्योंकि 25-30 साल की उम्र के बाद खिलाड़ी की मुश्किल ये होती है कि उसने अपने अच्छे जीवन बनाने के वर्ष तो खेल में बिता दिए, अब जो जीवन के वर्ष बचे हैं उनका जीवन कैसे बनाए। देश को दरअसल
अपना विचार सोचना होगा, बनाना होगा, अगर हम खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। और खिलाड़ियों को देश की संपत्ति के रूप में देखना होगा, देश के ये कहें हम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के नक्शे पर देखना होगा, देश के नक्शे पर, देश के नाम पर। जब खिलाड़ी की महत्ता बढ़ेगी तब देश में खेलने वाले बढ़ेंगे, और वो न केवल नाम पर बल्कि खेल में इतना समृद्ध हो जाने की उसको जब आशा होती है, इतना समृद्ध हो जाने की जब आशा होती है कि उसका पूरा जीवन अच्छा बीतेगा, तब देश में से कोई ऐसा युवा निकलेगा जो खेल के लिए अपने आप को लगा देगा। खेल का जीवन पैसे कमाने का जीवन नहीं होता, पर जीवन की आवश्यकता पैसा कमाना भी होती है, जीवन अच्छा बने उसके लिए साधन जुटाना भी होती है। हम तो केवल ये करते हैं कि हम भी दुनिया के नक्शे पर खेल का नाम लेते हैं, और बाद में जब खिलाड़ी अच्छा नहीं बनता है, जीत के नहीं आता है, तो उसको बदनाम करते हैं। खिलाड़ी को नाम करना है हमको, और खिलाड़ी को चमकाना है, और देश को अच्छे खिलाड़ियों का क्षेत्र बनाना है, तो खेल का सम्मान करें, खेल को संपत्ति बनाएं।